केक खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे, लेकिन मैदा की वजह से कभी कभी हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूँ के आटे का केक। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, कोई भी ऐसा तामझाम नहीं करेंगे। प्रेशर कुकर में बनाएंगे, वो भी 30 से 35 मिनट में एकदम बाजार से भी अच्छा केक घर पे बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज के मज़ेदार और बहुत ही आसान चॉकलेट केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आटा का केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप यूज़ किया है, आप इसकी जगह नॉर्मल कप भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सारा मेजरमेंट सेम बर्तन से करें। तो आटे को हम ऐसे छान लेंगे यानी छान लेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, ये डाल देंगे और 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो नॉर्मल खाने वाला जो छोटा चम्मच आता है ना, जिससे हम चाय पत्ती वगैरह ऐसे निकालते हैं या मिलाते हैं, वो वाले चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐसे छान लेंगे। आटा के साथ अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को ऐसे छान लेंगे तो ये आटा में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और केक का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने इसे छान लिया है, ये मैं हटा देती हूँ। अगर आपको आटा इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक केक टिन लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर देंगे। तो नॉर्मली केक में हम बटर पेपर लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट पेपर को ऐसे काट के इसके अंदर सेट कर सकते हैं। नॉर्मली बटर पेपर सबके पास नहीं रहता है, तो ये मेरी मम्मी का टेक्निक है, वो हमेशा केक ऐसे ही बनाती है। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे ही यूज़ करें। तो यहाँ पर जैसे केक टिन का डिज़ाइन है उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। नॉर्मल पेपर यूज़ करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं हो या फिर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उस पर प्रिंट रहता है जो कि अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेन पेपर यूज़ किया है और इसके ऊपर मैं घी लगा देती हूँ। दोनों साइड लगा दे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ताकि केक के चिपकने का 0% चांस रहे। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया है। अब हम इसके चारों तरफ क्या करेंगे कि ये वापस तेल या घी लगा देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसे ग्रीस कर दें। तो ये हमारा केक टिन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कुकर या कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसमें नमक डाल दें, सेम नमक को आप बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद डब्बे में निकाल के रख दें और उसके बाद जब भी बेक करना हो तो आप इसे यूज़ कर लें। तो यहाँ पे नमक को अच्छे से स्प्रेड कर दें, कुकर या कढ़ाई में स्टैंड रख दें और उसके बाद अगर आप इसे कुकर में बेक करें तो कुकर की सीटी और रबड़ निकाल दें, इस बात का ध्यान रखना है, दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। कुकर को बंद कर दें और अगर आप कढ़ाई यूज़ करें तो थाली से ढक दें। अब हम इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। अब हम चलते हैं केक के बैटर बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए एक बर्तन में 1/4 कप घी डाल देंगे। घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 3/4 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये मैंने होममेड यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल सेम क्वांटिटी में करें। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर वनीला एसेंस डाल देती हूँ और इसके बाद हम तीनों को पहले अच्छे से फेंट लेंगे। तो फेंटने के लिए मेरे पास ये हैंड मिक्सर है, तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहिए तो विस्कर, जैसे वो फेंटते हैं ना कड़ी वड़ी बनाते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोक से भी मिक्स करें, उससे भी हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर डाल देंगे। तो अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो कोकोआ पाउडर यूज़ करें, अगर आप नॉर्मल केक बनाना चाहते हैं तो कोकोआ पाउडर को स्किप करें। तो कोकोआ पाउडर भी जब हमने आटा छाना था ना, उसी टाइम पर इसे छान लेना चाहिए था, मैं वहाँ पर भूल गई। तो यहाँ पर मैं इसे डाल के कंडेंस मिल्क के साथ मिला दिया मैंने। अब हम इसमें आटा डालेंगे। तो यहाँ पे दूध मैं साइड में रखती हूँ, क्योंकि आटा डालने के बाद हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी बैटर को पतला करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा आटा मैंने एक ही साथ डाल दिया है, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है। तो अब हम इसे एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। वैसे दूध की ज़रूरत तो तुरंत ही पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर ये जो 1/2 कप दूध लिया है मैंने, ये डाल देती हूँ। एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। आप चाहिए तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दूध और पानी दोनों मिला के यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा लिया था, उसके साथ 3/4 कप मैंने कंडेंस मिल्क, 1/4 कप घी यूज़ किया है और उसके साथ ये मैंने 1/2 कप अभी दूध डाला है। तो अब ये देख सकते हैं कि बैटर जो है वो बहुत गाढ़ा है, तो अब हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप पूरा पानी यूज़ कर सकते हैं या पूरा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर को हमें सेमी थिक बनाना है। बैटर बनाने का जो तरीका है ना, कि जब आप इसे ऐसे उठाएं तो ये रिबन जैसा एक के ऊपर एक ऐसे गिरना चाहिए।
तो यहाँ पे थोड़े से पानी की और ज़रूरत है, एक चम्मच के करीब, बस ज़रा सा पानी डालें। तो टोटल हमने आधा कप दूध और यहाँ पे एक चौथाई कप पानी का इस्तेमाल किया है। वापस इसे ऐसे मिला दें। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। जब ये ऐसी कंसिस्टेंसी में पहुँच जाए, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे रिबन जैसा गिर रहा है, मतलब हमारा बैटर तैयार है। तो बैटर बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना ही हमें इसे मिक्स करना है। अब हम इस बैटर को तुरंत केक टिन में डाल देंगे। इस प्रोसेस में ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि हमने जो सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और उसे अगर आप ज़्यादा देर तक बाहर रखेंगे ना, तो केक आपका फूलेगा नहीं। तो बस बैटर को हम केक टिन में डाल के और उसके बाद अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। बैटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे हल्के हाथों टैप कर देंगे, ताकि बैटर के अंदर अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए और केक हमारा बराबर फूले। अब हम केक की थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसमें पिस्ता बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मन करे वैसे ड्राई नट्स आप इसके ऊपर सजा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने काजू लगा दिया है। तो ये हमारा बैटर जो है वो रेडी है। अब हम चलते हैं इसे बेक करने का प्रोसेस में। तो प्रेशर कुकर हमने गर्म होने के लिए रखा था। बहुत ही सावधानी से आपको ये केक टिन रखना पड़ेगा, क्योंकि कुकर बहुत गर्म रहता है। सेंटर में ऐसे रख दें, प्रेशर कुकर की सीटी और रबड़ निकाल दें, और उसके बाद 20 मिनट आप इसे मीडियम फ्लेम पे पहले बेक करें। 20 मिनट बाद हम कुकर को खोलेंगे और चेक करेंगे। 20 मिनट बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे और ये हमारा केक बहुत अच्छे से फूला है। आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा केक अच्छे से फूलेगा वो उतना ही स्पंजी रहेगा। तो आप टेंशन मत ले कि केक खराब है, एकदम परफेक्ट केक ये निकलेगा। तो किनारों से ऐसे एक बार टूथपिक डाल के चेक कर ले। सेंटर से तो ये अभी पका नहीं होगा, क्योंकि 20 मिनट ही हुए हैं, ये देखिए। तब हम क्या करेंगे, वापस इसे ढक के लो फ्लेम पे 15 मिनट और पकाएंगे। किनारा पक गया है इसलिए लो फ्लेम पे पकाएं। तो टोटल हमें इसे 35 मिनट पकाना है। और एक बार 35 मिनट बाद किनारों पे और एक बार सेंटर पे ऐसे चेक कर लें। ये देखिए सेंटर से भी ड्राई निकला है, मतलब केक हमारा अच्छे से पक गया है। तो गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसे सावधानी से निकाल लेंगे। जैसे ही केक टिन ठंडा हो जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे और उसके बाद केक को टिन से निकालना है। तो ये हमारा केक जो है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कलर एकदम परफेक्ट आया है, एकदम परफेक्ट बेक हुआ है केक। अगर ऊपर से ऐसे क्रैक्स आते हैं ना, मतलब आपका केक अंदर से बहुत सही से पका है। तो अब हम क्या करेंगे, किनारों को ऐसे नाइफ से स्क्रैच कर लेंगे। केक को चेक करते वक्त टूथपिक जो है वो सेंटर में बार बार नहीं डालें, नहीं तो केक जो है वो पिचक जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमारा केक जो है, टैप करना पड़ेगा लग रहा है, निकल गया। और यहाँ पे हमने बटर पेपर की जगह ये जो नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल किया था, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए है ना, बटर पेपर का काम कर गया हमारा घर का नॉर्मल कॉपी वाला पेज। तो ये हमारा केक जो है वो परफेक्ट नीचे से भी बेक हुआ है। ये देखिए बहुत ही सही कलर है, स्पंजी भी है। तो है ना, आटा का केक बनाना बहुत आसान, कोई झमेला भी नहीं है, और टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा आता है। तब हम इसे काट लेते हैं और हैप्पी बर्थडे भी मना लेते हैं। तो देखते हैं केक अंदर से सही से पका है कि नहीं। तो यहाँ पे इसे ऐसे काट दिया मैंने। बहुत लोग मैदा नहीं खाते हैं और उनको लगता है कि आटा का जो केक है वो टेस्टी नहीं बनता है। तो आप इस प्रोसेस से अगर आटा का केक बनाएंगे तो ये केक नॉर्मल केक से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो मैदे वाला होता है ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत स्पंजी बनता है, ये आप देख सकते हैं। इस केक को बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसे चॉकलेट फ्लेवर ही बनाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, और चीनी की जगह कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें। तो ये हमारा केक जो है वो अच्छे से बन गया है। तब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। आप इस केक को बीच से काट के और इसके बाद शुगर सिरप डाल के और उसके बाद गार्निशिंग भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल बर्थडे केक बनता है, या फिर ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक एकदम परफेक्ट बना है, ये देखिए। तो आप चाहिए तो इस केक को ऐसे खाएं, या फिर इसको और भी टेस्टी बनाना है, या फिर थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना है, तो इसके ऊपर आप ये चॉकलेट सिरप डाल दें, उससे ये केक दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट में चार चांद लग जाएंगे। तो अब मैदे का टेंशन हुआ ख़त्म। आप आटे से बहुत ही टेस्टी घर पे बनाए ऐसे केक, वो भी बिना ओवन के। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट बेक करें, और ओवन को सेम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। तो ये हमारा मज़ेदार केक रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।